शब्दार्थाः। पाठ में प्रयुक्त शब्दार्थ हैं प्रत्यभिज्ञानम् अर्थात पहचान या जानकारी, अपूर्वः, अपूर्वः मतलब जो पहले न हुआ, पूर्वः मतलब होता है पहले, अपूर्वः मतलब जो पहले न हुआ हो, अश्रद्धेयम् श्रद्धा के अयोग्य, सौभद्रः, सौभद्र का तात्पर्य होता है सुभद्रा के पुत्र अर्थात अभिमन्यु, आसाद्य, आसाद्य का तात्पर्य होता है पाकर या पहुंचकर, निशंकम इसका तात्पर्य होता है बिना किसी शंका के या बिना किसी हिचक के, भुजैक नियंत्रितः एक ही हाथ से पकड़ा गया, भुजाधन एक धन नियंत्रितः इति भुजैक नियंत्रितः, भुजाधन एक यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तो भुजैक नियंत्रितः एक ही हाथ से पकड़ा गया, विभाति सुशोभित होता है, कौतूहलम कौतूहल कहते हैं जानने की इच्छा को या जानने की उत्कंठा, तो कौतूहलम जानने की उत्कंठा, अपवार्य, अपवार्य का तात्पर्य होता है हटाकर, रुष्यति, रुष का मतलब होता है क्रोध, अरुष्यति का मतलब होता है क्रोधित होता है, रुष्यति इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो रुष्यति क्रोध करता है या क्रोधित होता है, वाचालयतु बोलने को प्रेरित करें, वाचाल मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, वाचालयतु मतलब बोलने के लिए प्रेरित करना, तिरस्क्रियते अर्थात तिरस्कार की जाती है या उपेक्षा की जाती है, पितृव्यः, पितृव्यः अर्थात चाचा अर्थात पिता के समान, अवलोकयतः, अवलोकयतः का तात्पर्य होता है देखते हैं, अवलोकयति अवलोकयतः अवलोकयन्ति इस तरह से इसका रूप बनता है, तो यहाँ पर अवलोकयतः यह जो पद प्रयुक्त हुआ है यह द्विवचन का है, इसलिए दो लोग देखते हैं या दो लोगों के द्वारा देखा जाता है, कृतास्त्रस्य अस्त्र विद्या से संपन्न व्यक्ति का, अलम, अलम यह जो है अव्यय पद है और निषेध अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो अलम निषेधार्थ में तृतीय विभक्ति के साथ प्रयुक्त होने वाला यह अव्यय पद है, आत्मस्त्वम, आत्मस्तवम, आत्मस्तवम आत्म प्रशंसा, सावज्ञम अवज्ञ कहते हैं उपेक्षा को, सावज्ञ मतलब उपेक्षा करते हुए, पदाति, पदाति का तात्पर्य होता है पैदल चलने वाला, उपसर्पतु, उपसर्पतु मतलब पास जाओ, एही, एही का तात्पर्य होता है आओ, उत्सिक्तः गर्व से युक्त, दर्प प्रश्नम, दर्प कहते हैं घमंड को, प्रश्नम मतलब होता है प्रश्न मतलब शांत करना, दर्प प्रश्नम घमंड को शांत करना, गृहीतः, गृहीतः का मतलब होता है पकड़ा गया, मध्यमः, मध्यम का मतलब होता है बीच का और यहां पर प्रयुक्त हुआ है भीम के लिए, भीम के लिए क्यों प्रयुक्त हुआ है, भीम के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अर्जुन से बड़े हैं भीम, भीम से बड़े हैं युधिष्ठिर, तो इस तरह से भीम जो हैं युधिष्ठिर और अर्जुन के मध्य आते हैं, इसलिए भीम के लिए यहाँ पर मध्यमा शब्द का प्रयोग किया गया है, तातः, तातः का तात्पर्य होता है पिता, प्रहरणम, प्रहरणम का मतलब होता है हथियार, व्यपनयतु अर्थात दूर करें, तो इस तरह से हमारे पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वे ये हैं और निश्चित रूप से इन शब्दार्थों के यदि हम भली भांति जानेंगे तो हम पाठ को भी भली भांति समझ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा प्रत्यभिज्ञानम और उस पाठ के भी हमने शब्दार्थ देखा, अब ये जो पाठ हमने पढ़ा है इसके आधार पर विभिन्न परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एक नमूना के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो अभ्यास दिए हुए हैं, आइए इन्हें हम हल करने का प्रयास करते हैं, निर्देश है
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्यारे बच्चों, प्रश्न जो होते हैं इनके निर्देश को पहले समझना आवश्यक होता है। विभिन्न परीक्षाओं में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके निर्देश संस्कृत में होते हैं, तो निर्देश में क्या कहा गया है इसको भली भांति पहले समझें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। निर्देश है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसका तात्पर्य होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ये कहा गया है। अर्थात यहाँ जो प्रश्न भी दिए जाएंगे उनके उत्तर आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। कभी कभी हो सकता है प्रश्न ये ही हो और उनके उत्तर आपको हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जाए, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत और हिंदी दोनों में तैयार करेंगे। आइए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है भीमसेनेन कह गृहीतः, भीमसेन के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था। पाठ हमने पढ़ा है तो पाठ के आधार पर ही हमें उत्तर देना है। तो किसने पकड़ा था, भीम के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था। बिल्कुल सही अभिमन्यु, तो उत्तर लिखेंगे भीमसेन। ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर देते हैं उत्तर देते समय हम यथासंभव प्रश्न की भाषा का उपयोग करते हुए उत्तर लिखें। यहाँ प्रश्न है भीमसेन ने कह गृहीतः, भीमसेन के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था, तो उत्तर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है इसमें से कह जो शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर हम उत्तरवाचक शब्द स्थापित करें तो हमारा उत्तर बन जाएगा। तो वैसा करते हैं, तो भीमसेनेन कह के स्थान पर लिखना क्या, अभिमन्यु। भीमसेनेन अभिमन्यु गृहीतः, भीमसेन के द्वारा अभिमन्यु पकड़ लिया गया था। हो गया, बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत, अभिमन्यु कैसे पकड़ लिया गया था। कथम मतलब कैसे या किस प्रकार से, अभिमन्यु किस प्रकार से पकड़ लिया गया था। क्या वह युद्ध करते हुए पकड़ा गया था, नहीं। उसके समक्ष जो सैनिक आया था वो शस्त्र विहीन था, और शस्त्र विहीन था इसलिए अभिमन्यु ने उस पर बाण नहीं चलाया, इसलिए वह पकड़ा गया था। तो अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमेन या भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत, भीमसेन शस्त्र विहीन भीमसेन के द्वारा भुजाओं के बल से पकड़ लिया गया था। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भीमसेनेन विहन्नलया च पृष्टः अभिमन्युः किमर्थम उत्तरम न ददाति। भीमसेन और वृहन्नला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु किस लिए उत्तर नहीं देता है, उत्तर क्यों नहीं देता था। उत्तर इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसको बंदी बना लिया गया था, तो बंदी बना लिए जाने से वह रुष्ट हो गया था, अर्थात वह नाराज था, इसलिए कोई उत्तर नहीं देना चाहता था, कुछ बोलना वह नहीं चाहता था। तो उत्तर लिखेंगे अभिमन्यु भटेन गृहीतेन रुष्टः आसीत, अभिमन्यु जो है उस भट के द्वारा उस सिपाही के द्वारा पकड़ लिए जाने पर रुष्ट था, अतः भीमसेनेन विहन्नलया च पृष्टः अभिमन्यु उत्तरम न ददाति। अर्थात भीमसेन उस भट सिपाही के द्वारा पकड़ लिया गया था इसलिए वह नाराज था, इसलिए वह भीम और अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भी कोई उत्तर नहीं देता है, ऐसा कहें। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत, अर्थात
नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो भाव प्रकट हुआ है अर्थात उसका केंद्रीय भाव क्या है, इसको चुन कर लिखना है, ये कहा गया है। तो वाक्य क्या है देखते हैं। वाक्य है भो कोनु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि नापीडितः अस्मि। ये वाक्य है भोनु खल्वेशः, यह निश्चित रूप से कौन है, येन जिसके भुजा एक ही भुजा के द्वारा नियंत्रित किए जाने पर बलाधिकेनापि बल अधिक होने पर भी नापीडितः अस्मि, मैं पीड़ित या दुखी नहीं हुआ। ये वाक्य है और इस वाक्य में क्या केंद्रीय भाव है, इसके लिए तीन कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं। वे शब्द हैं विस्मयः भयम् जिज्ञासा। अब इन तीनों में से कौन सा इसका केंद्रीय भाव वाला वाक्य है, कौन सा केंद्रीय भाव है, इसका हमें चयन करना है। तो यह जो वाक्य आया है इसमें भो को नुखल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, अर्थात कौन है जिसके एक ही बल के द्वारा मुझको पकड़ लिया गया और फिर भी मैं पीड़ित नहीं हुआ। ये क्या था, ये भय था क्या, नहीं ये आश्चर्य था का नहीं, ये जानने की इच्छा थी, इसलिए उत्तर क्या होगा जिज्ञासा। इस वाक्य का केंद्रीय भाव है जिज्ञासा, ऐसा लिख दीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है कथम कथम अभिमन्युर्नाम हम, कैसे कैसे ये मुझे अभिमन्यु इस नाम से संबोधित कर रहे हैं, ये इसका हिंदी हुआ। अब इसके केंद्रीय भाव के जो शब्द दिए गए हैं वे शब्द हैं आत्म प्रशंसा स्वाभिमान दैन्यम। अब कैसे कैसे ये मुझे अभिमन्यु नाम से संबोधित कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिमन्यु के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, तो इसलिए इस वाक्य का केंद्रीय भाव होगा स्वाभिमान, अर्थात उसके स्वाभिमान को यहाँ पर ठेस लग रही है, आत्म प्रशंसा नहीं की जा रही है, वो दीनता नहीं दिखा रहा है, क्या कर रहा है उसके स्वाभिमान को ठेस लगा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा स्वाभिमान। अगला वाक्य है कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, कैसे पितृवदाक्रम्य अर्थात पिता के समान स्त्रीगताम अर्थात स्त्री के विषय में ये उनकी कुशलता पूछ रहे हैं, हिंदी हुआ। इसका जो केंद्रीय भाव का शब्द दिया हुआ है वे शब्द हैं लज्जा क्रोध प्रसन्नता। अब उस युवक से उनकी माता के विषय में कोई अपरिचित व्यक्ति, वो भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति पूछ रहा है, तब वह प्रसन्न होगा क्या, नहीं, उसको लज्जा आएगी क्या, नहीं, अभी तो उसको क्रोध आएगा, तो इसका केंद्रीय भाव क्या होगा क्रोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एवं प्रहरणम्। धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम्। धनुष तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं, दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मम तु मेरे तो भुजाएं ही हथियार हैं। यह कथन किसका है, यह कथन है भीम का। अब इसके लिए जो केंद्रीय भाव के शब्द दिए गए हैं वे शब्द हैं अंधविश्वास शौर्यम उत्साह। क्या यह कथन अंधविश्वास पर आधारित है, नहीं। क्या यह बहुत अधिक उत्साह में कहा जा रहा है, नहीं, अभी तो यह उस भीम की वीरता की सूर वीरता की बात कही जा रही है, का प्रकट के भाव को प्रकट करता है, इसलिए धनुष तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम्। इस वाक्य में शौर्यम अर्थात शौर्य का प्रदर्शन है, तो शौर्यम
यह इस वाक्य का केंद्रीय भाव है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है निर्देश, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात उचित स्थान पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी एक वाक्य में दिया जाता है, वाक्य से में जब दिया जाता है रिक्त स्थान तो कुछ शब्द भी चयन करने के लिए दिए जाते हैं, या कभी कुछ शब्द मंजूषा में दिए जाते हैं जहां से उसको चयन करके लिखना होता है, या जो व्याकरणिक इकाइयां हैं उन व्याकरणिक इकाइयों से भी रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न दिए जा सकते हैं। आइए यहां देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। प्रश्न है खलु धन एसह बराबर, ये रिक्त स्थान है, अर्थात खलु धन एसह इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके जो रिक्त स्थान है वहां पर हमको लिखना है। तो खलु धन एसह को जोड़ेंगे क्या इन दोनों में संधि होगी? हाँ संधि होगी। तो संधि का कौन सा नियम लागू होगा और उस नियम के अनुसार से खलु धन एसह इसका रूप क्या बनेगा? तो खलु धन एसह यहाँ पर यण स्वर संधि का जो नियम है वह लागू होता है। जब ई और उ री के आगे इनसे भिन्न स्वर आता है तो उन्हें क्रमशः य र ल व हो जाता है। तो खलु तो यहाँ पर उ है, उ के आगे ए आया है, अर्थात इनसे भिन्न स्वर आया है। तो खलु धन एसह क्या हो जाएगा? खल्वेसह। संधि का नाम कहें तो क्या होगा? यण स्वर संधि। तो खल्वेसह, खलु धन एसह खल्वेसह यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभाति धन खाली स्थान बराबर विभात्युमावेशम, अर्थात विभाति में हम क्या जोड़ें कि उसका रूप जो है विभात्युमावेशम बन जाए। तो विभाति शब्द दिया हुआ है और इसको बनाना क्या है, इसमें हम उमावेशम शब्द को जोड़ें तो यह बन जाएगा विभात्युमावेशम। तो विभाति धन उमावेशम इति विभात्युमावेशम, यहां पर भी यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ई और उ के योग से य का निर्माण हुआ है। तो विभाति धन उमावेशम इति विभात्युमावेशम यण स्वर संधि। अगला प्रश्न, पहले ही रिक्त स्थान दिया गया, धन एनम वाचालयत्वेनम। तो एनम में हम क्या जोड़ें कि वाचालयत्वेनम बने? तो वाचालयतु धन एनम इति वाचालयत्वेनम। तो वाचालयतु धन एनम, उ धन ए के योग से क्या बन गया यहां पर? व बन गया। तो इसलिए यहां पर भी क्या हो गया? यण स्वर संधि। तो वाचालयतु धन एनम इति वाचालयत्वेनम यण स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है त्वमेव धन एनम बराबर खाली स्थान। अब यहां पर क्या आएगा? त्वमेव धन एनम, दोनों को जोड़ दीजिए। अ के आगे ए आया है तो अ के आगे ए आने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, अर्थात उसको वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि स्वर संधि बनेगा। तो त्वमेव धन एनम इति त्वमेवैनम वृद्धि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है यातु धन खाली स्थान बराबर यात्विति, क्या होगा? यातु धन इति बराबर यात्विति, यहां कौन सी संधि होगी? यहां भी उ के आगे ई आया है और दोनों मिलकर क्या बनता है? व बन जाता है, इसलिए यहां भी यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है खाली स्थान धन इति बराबर धनंजयायेति। अब यहां पर इति को जोड़ना है, किस में जोड़ेंगे? तो धनंजयाय धन इति बराबर धनंजयायेति। तो धनंजयाय धन इति धनंजयाय, अ के आगे ई आया और दोनों मिलकर क्या बन जाता है? यह बन जाता है, इसलिए यहां भी यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से संधि संबंधित रिक्त स्थान यहां दिया हुआ था, इसको हमने हल किया। तो यहां पर जो अभ्यास दिया गया हुआ है ये केवल एक नमूना मात्र है, इसके आधार पर
हम जो पाठ पढ़े हैं वहां से भी कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है ये केवल नमूना मात्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है निर्देश। निर्देश है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्यारे बच्चों, प्रश्न जो होते हैं इनके निर्देश को पहले समझना आवश्यक होता है। विभिन्न परीक्षाओं में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके निर्देश संस्कृत में होते हैं। तो निर्देश में क्या कहा गया है इसको भली भांति पहले समझें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। निर्देश है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसका तात्पर्य होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ये कहा गया है। अर्थात यहाँ जो प्रश्न भी दिए जाएंगे उनके उत्तर आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। कभी कभी हो सकता है प्रश्न ये ही हो और उनके उत्तर आपको हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जाए, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत और हिंदी दोनों में तैयार करेंगे। आइए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है भीम सेनेन कह गृहितः। भीम सेन के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था। पाठ हमने पढ़ा है तो पाठ के आधार पर ही हमें उत्तर देना है। तो किसने पकड़ा था, भीम के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था। बिल्कुल सही अभिमन्यु, तो उत्तर लिखेंगे भीम सेन। ध्यान दीजिएगा जब उत्तर देते हैं तो उत्तर देते समय हम यथासंभव प्रश्न की भाषा का उपयोग करते हुए उत्तर लिखें। यह प्रश्न है भीम सेन ने कह गृहीता, भीम सेन के द्वारा कौन पकड़ लिया गया था। तो उत्तर लिखेंगे, ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है इसमें से कह जो शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर हम उत्तरवाचक शब्द स्थापित करें तो हमारा उत्तर बन जाएगा। तो वैसा करते हैं, तो भीम सेनेन कह के स्थान पर लिखना है क्या, अभिमन्यु। भीम सेनेन अभिमन्यु गृहीतः, भीम सेन के द्वारा अभिमन्यु पकड़ लिया गया था। हो गया, बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु कैसे पकड़ लिया गया था। कथम मतलब कैसे या किस प्रकार से, अभिमन्यु किस प्रकार से पकड़ लिया गया था। क्या वह युद्ध करते हुए पकड़ा गया था, नहीं। उसके समक्ष जो सैनिक आया था वो शस्त्र विहीन था और शस्त्र विहीन था इसलिए अभिमन्यु ने उस पर बाण नहीं चलाया, इसलिए वह पकड़ा गया था। तो अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमेन या भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत। भीमसेन शस्त्र विहीन भीमसेन के द्वारा भुजाओं के बल से पकड़ लिया गया था। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भीमसेनेन वृहन्नलया च पृष्टः अभिमन्युः किमर्थम उत्तरम न ददाति। भीमसेन और वृहन्नला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु किस लिए उत्तर नहीं देता है। उत्तर क्यों नहीं देता था, उत्तर इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसको बंदी बना लिया गया था। तो बंदी बना लिए जाने से वह रुष्ट हो गया था, अर्थात वह नाराज था, इसलिए कोई उत्तर नहीं देना चाहता था, कुछ बोलना वह नहीं चाहता था। तो उत्तर लिखेंगे अभिमन्यु भटेन गृहीतेन रुष्टः आसीत। अभिमन्यु जो है उस भट के द्वारा, उस सिपाही के द्वारा पकड़ लिए जाने पर रुष्ट था, अतः भीमसेनेन वृहन्नलया च पृष्टः अभिमन्यु उत्तरम न ददाति। अर्थात भीमसेन उस भट सिपाही के द्वारा पकड़ लिया गया था इसलिए वह नाराज था, इसलिए वह भीम और अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भी कोई उत्तर नहीं देता है, ऐसा कहें। हो गया, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो भाव प्रकट हुआ है अर्थात उसका केंद्रीय भाव क्या है, इसको चुन कर लिखना है, ये कहा गया है। तो वाक्य क्या है देखते हैं। वाक्य है भो कोनु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि, ये वाक्य है। भोनु खल्वेशः यह निश्चित रूप से कौन है, येन जिसके भुजा एक ही भुजा के द्वारा नियंत्रित किए जाने पर बलाधिकेनापि बल अधिक होने पर भी न पीडितः अस्मि, मैं पीड़ित या दुखी नहीं हुआ हूं, ये वाक्य है। और इस वाक्य में क्या केंद्रीय भाव है, इसके लिए तीन कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं। वे शब्द हैं विस्मयः भयम् जिज्ञासा। अब इन तीनों में से कौन सा इसका केंद्रीय भाव वाला वाक्य है, कौन सा केंद्रीय भाव है, इसका हमें चयन करना है। तो यह जो वाक्य आया है इसमें भो कोनु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि, अर्थात कौन है जिसके एक ही बल के द्वारा मुझको पकड़ लिया गया और फिर भी मैं पीड़ित नहीं हुआ, ये क्या था, ये भय था क्या, नहीं ये आश्चर्य था का नहीं, ये जानने की इच्छा थी, इसलिए उत्तर क्या होगा जिज्ञासा। इस वाक्य का केंद्रीय भाव है जिज्ञासा, ऐसा लिख दीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है कथम कथम अभिमन्युर्नाम, कथम कथम अभिमन्युर्नाम हम, कैसे कैसे ये मुझे अभिमन्यु इस नाम से संबोधित कर रहे हैं, ये इसका हिंदी हुआ। अब इसके केंद्रीय भाव के जो शब्द दिए गए हैं वे शब्द हैं आत्म प्रशंसा स्वाभिमान दैन्यम। अब कैसे कैसे ये मुझे अभिमन्यु नाम से संबोधित कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिमन्यु के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, तो इसलिए इस वाक्य का केंद्रीय भाव होगा स्वाभिमान, अर्थात उसके स्वाभिमान को यहाँ पर ठेस लग रही है, आत्म प्रशंसा नहीं की जा रही है, वो दीनता नहीं दिखा रहा है, क्या कर रहा है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा स्वाभिमान। अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, अर्थात नीचे लिखे हुए वचनों को किसने किसके प्रति कहा है, अर्थात हम ये जो नाट्यांश देखे हैं नाट्यांश में संवाद है, तो संवाद जो है वो किसने कहा है और किसके लिए कहा है, किसके प्रति कहा है, तो ये हमको बताना है। यथा जैसे एक उदाहरण दिया है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, अर्थात आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, इससे वार्तालाप की जिज्ञासा बहुत अधिक हो रही है, किसको मुझको इससे वार्तालाप की जिज्ञासा बहुत अधिक हो रही है। किसने कहा वृहन्नला, कम प्रति भीमसेनम प्रति, भीमसेन के प्रति वृहन्नला ने कहा था, ये एक उदाहरण है। तो इसी तरह से कुछ वाक्य और दिए जाएंगे भी, उन वाक्यों में आपको यह पहचानना है कि किसने कहा और किसके प्रति कहा है। आइए देखते हैं वाक्य है कथमिदानीं सावज्ञमेव माम हस्यते, ये किसने कहा और किसके प्रति कहा। तो कथमिदानीं सावज्ञमेव माम हस्यते, तो किसने कहा कि ये दोनों मुझे अवज्ञा पूर्वक अर्थात उपेक्षा पूर्वक मुझको लक्ष्य करके हंस रहे हैं, ये कथन है अभिमन्यु का। तो उत्तर क्या होगा, कह अभिमन्यु, कम प्रति तो भीम अर्जुनो, भीम और अर्जुन दोनों के प्रति इस वाक्य को कहा गया है। तो कह किसने कहा अभिमन्यु, कम प्रति भीम अर्जुनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है अशस्त्रेण नेत्यभिधीयताम, अर्थात
अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, बिना शस्त्र वाले यह भी कहो, ऐसा किसने कहा? यह कथन भी अभिमन्यु का है। और किसके प्रति कहा? भीमसेन के प्रति कहा। तो अभिमन्यु कह उक्तवान, तो अभिमन्यु उक्तवान कम प्रति, तो भीमसेनम प्रति उक्तवान, ये कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, अर्थात जो पूजा के अन्यतम योग्य है इनकी पूजा की जानी चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा था, हमने पाठ जो पढ़ा उस पाठ में आए हैं, तो उत्तर राजा का पुत्र जो उत्तर है उसने कहा था। उत्तर उत्तर ने कहा था, किससे कहा था? राजानम, राजा के प्रति कहा था। अगला वाक्य, शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है भीमसेन का। तो उत्तर होगा भीमसेन, किसके प्रति कहा था? अभिमन्युम प्रति, अभिमन्यु के प्रति कहा था। तो भीमसेन उक्तवान कम प्रति? अभिमन्युम प्रति, अभिमन्यु के प्रति ये वाक्य कहा था। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला निर्देश है, अधो लिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं अर्थात मोटे पद हैं, रेखांकित पद हैं, वे सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये हमको बताना है। वाक्य है, वाचालयतु एनम आर्यः, अर्थात इसको बोलने के लिए प्रेरित करो आर्य, ये इसका हिंदी होगा। तो एनम यहां पर यह रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वाचालयतु एनम आर्यः, इसको बोलने के लिए प्रेरित करिए आर्य, ऐसा कहा गया। तो एनम, एनम का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? एनम का प्रयोग किया गया है अभिमन्यु के लिए। तो उत्तर लिखेंगे अभिमन्यवे, वाचालय तो एनम आर्यः अस्मिन् वाक्ये एनम इति सर्वनाम पदम अभिमन्वये प्रयुक्तमस्ति, अर्थात वाचालय तो एनम आर्यः, इस वाक्य में एनम यह पद अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला वाक्य लेते हैं, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, किमर्थ, किमर्थम किस कारण से तेन उसके द्वारा, पदातिना उस पैदल के द्वारा, गृहीतः पकड़ लिए गए, ये कहा गया। तो तेन यहां पर ये क्या है? ये रेखांकित पद है, तो तेन के स्थान पर प्रयुक्त होने, तेन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उस पदाति अर्थात उस पैदल चलने वाले सिपाही, तो पैदल चलने वाला सिपाही कौन था? वो भीमसेन था। तो किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम भीमसेनाय प्रयुक्तमस्ति, अर्थात इस वाक्य में तेन शब्द का प्रयोग जो है भीमसेन के लिए हुआ है। हो गया उत्तर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, कथम न माम अभिवादयसि, अब यहां पर माम यह जो पद है यह रेखांकित पद है, अब माम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये कहा गया है, कथम न माम अभिवादे से, किस कैसे तुम मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो? इस वाक्य में माम इस पद का प्रयोग किसके लिए प्रस्तुत नाट्यांश में हुआ है? तो कथम न माम अभिवादयसि अस्मिन् वाक्ये माम इति सर्वनाम पदम राज्ञे प्रयुक्तम अस्ति, अर्थात इस वाक्य में माम पद का प्रयोग राजा के लिए हुआ है, ऐसा कहेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही हथियार है, ऐसा किसने कहा? यह जो कथन है इस वाक्य में मम यह रेखांकित पद है, तो मम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मम तु भुजौ एव प्रहरणम अस्मिन् वाक्ये
मम इति पदम भीमसेनाय प्रयुक्तम, अर्थात मम तु भुजौ एव प्रहरणम, इस वाक्य में मम इस सर्वनाम पद का प्रयोग भीमसेन के लिए हुआ है। तो उत्तर क्या होगा? भीमसेनाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः। अपूर्व इव ते हर्षो, तुम्हारी प्रसन्नता जो है अपूर्व है, कहो किस लिए आश्चर्यचकित हो। तो इस वाक्य में ते, यह जो शब्द है यह रेखांकित पद है, ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ते प्रयुक्त हुआ है उस भट्ट के लिए, भट्ट कौन था? भीमसेन के लिए। तो उत्तर आप दोनों लिख सकते हैं, भटाय भी लिख सकते हैं और भीमसेनाय भी लिख सकते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः, अस्मिन वाक्ये ते इति सर्वनाम पदम भटाय वा भीमसेनाय प्रयुक्तम अस्ति, अर्थात इस वाक्य में भट या भीमसेन के लिए ते इस सर्वनामक पद का प्रयोग हुआ है, ऐसा कहें। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला निर्देश है, अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में से उपसर्ग पदों को चुनकर लिखना है। अर्थात यहाँ कुछ शब्द भी दिए जा रहे हैं, उन शब्दों में से कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको चुनकर लिखना है। यथा, जैसे एक उदाहरण दिया है, क्या है? आसाद्य, यह एक पद है और इस पद में उपसर्ग क्या है यह बताया गया है। उपसर्ग है यहां आ, तो आसाद्य शब्द में आ उपसर्ग है। इसी तरह से अन्य जो भी शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों में उपसर्ग को आपको चयन करके लिखना है। आइए उन शब्दों को देखते हैं। शब्द हैं अवतारितः, अवतारितः इस शब्द में या इस पद में अव, यह उपसर्ग पद है। इसी तरह से विभाति, विभाति शब्द में उपसर्ग क्या है हमको चयन करके लिखना है। तो विभाति शब्द में उपसर्ग है वि। तो इस तरह से विभिन्न उपसर्गों को आपको चयन कर करके लिखना है। अगला शब्द है अभिभाषय, यहां उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, भास धातु है उसमें अभी उपसर्ग का योग हुआ है। आप सभी जानते हैं संस्कृत में 22 धातु उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों में से यहाँ कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया गया है वो आप देखिए, और जो अन्य 22 उपसर्ग हैं उनका भी एक अभ्यास आप कीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला शब्द है उद्भुताः, उद्भुताः शब्द में उपसर्ग कौन सा है यह हमें लिखना है। तो उत, यह उपसर्ग है, उत धन भूताः इति उद्भुताः, तो उत क्या है? उपसर्ग है। तिरस्क्रियते, तिरस्क्रियते, तिरस धन क्रियते इति तिरस्क्रियते, तो ये क्या है? तिरस क्या है? यह उपसर्ग है। प्रहरन्ति, प्रहरन्ति शब्द में प्र, यह क्या है? यह उपसर्ग है। तो यहां आपको उपसर्ग वाले खंड में क्या लिखना है? आपको प्र लिखना है। इसी तरह से उपसर्पन्तु, उपसर्पन्तु शब्द में उपसर्ग है उप। परिरक्षिताः, परिरक्षिताः शब्द में उपसर्ग है परि। प्रणमति, प्रणमति इस का तात्पर्य होता है प्रणाम करता है। प्रधन नम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है, और प्रणमति इस शब्द में प्र उपसर्ग है। तो उत्तर आप लिखेंगे प्र। तो इस तरह से जो विभिन्न शब्द दिए हुए हैं जिनके उपसर्गों को हमको चयन करना था, उपसर्ग को चुन कर लिखना था, उपसर्ग को पहचान कर लिखना था, तो इस तरह से आप करके उपसर्गों को पहचान कर सकते हैं। विभिन्न शब्द दिए जाएं उनमें भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला निर्देश है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक दत्त पदेषु पंचमी विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत्।
अर्थात उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए हुए पदों में से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और साथ ही रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से करना ही दिया हुआ है। उस शब्द का उचित रूप बनाकर, उचित रूप कौन सा, पंचमी विभक्ति का रूप बनाकर हमें उस वाक्य की पूर्ति करनी है। यथा, जैसे एक उदाहरण दिया है, श्मशानात धनुरादाय अर्जुन आगतः। शब्द यहां पर दिया हुआ है श्मशान, श्मशान शब्द का पंचमी व्यक्ति हमको बनाना है। तो श्मशान शब्द का पंचमी व्यक्ति बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए यदि इस तरह से कहा जा रहा है, पंचमी व्यक्ति बनाने के लिए कहा जा रहा है या तृतीय विभक्ति का शब्द बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न शब्द रूप हैं, उन्हें विभिन्न शब्द रूपों के प्रथम विभक्ति में क्या रूप होंगे, द्वितीय में क्या होंगे, तृतीय में क्या होंगे, चतुर्थी में क्या होंगे, पंचमी में क्या होंगे, षष्ठी में क्या होंगे, सप्तमी में क्या होंगे, और उनके संबोधन रूप क्या होंगे, ये हमको जानना होगा। साथ ही साथ उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप क्या होते हैं, ये भी हम जानेंगे, तब इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उत्तर भली भांति दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, रिक्त स्थान धनुरादाय अर्जुन आगतः और श्मशान शब्द है, तो श्मशान शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इस वाक्य की हमें पूर्ति करनी है। तो श्मशान शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होगी, जैसे बालक से बालकात होता है, राम से रामात होता है, कृष्ण से कृष्णात होता है, उसी तरह से श्मशान से क्या हो जाएगा, श्मशानात, श्मशानात, श्मशानात धनुरादाय अर्जुन आगतः। तो श्मशानात शब्द से हम इस वाक्य की पूर्ति कर दिए पंचमी विभक्ति बनाकर। इसी तरह से अन्य वाक्यों को हमें करना है, तो आइए उन वाक्यों को देखते हैं। वाक्य हैं, पाठान पठित्वा सह रिक्त स्थान आगतः, और कोष्टक में शब्द दिया हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय की पंचमी बनाना है और वाक्य को पूरी करना है। विद्यालय का पंचमी व्यक्ति का रूप बनाते हुए इस वाक्य को हमें पूर्ण करना है। तो पाठान पठित्वा सह विद्यालयात आगतः, विद्यालय से विद्यालयात, तो पाठान पठित्वा सह विद्यालयात आगतः, पाठों को पढ़कर वह विद्यालय से आ गया, इसका हिंदी हो गया। चलिए अगला वाक्य है, रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति, और कोष्टक में शब्द दिया हुआ है वृक्ष, अर्थात पत्राणि पतन्ति मतलब पत्ते गिरते हैं, वृक्ष, वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति लगाना है, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है, अगला वाक्य है, गंगा रिक्त स्थान निर्गच्छति, गंगा खाली स्थान निकलती है, और यहां पर शब्द आया है हिमालय, तो हिमालय का पंचमी विभक्ति बनाना है, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है, क्षमा खाली स्थान फलानि आनयति, कोष्टक में शब्द दिया हुआ है आपणम, तो आपणम शब्द की पंचमी विभक्ति बनाना है और वाक्य की पूर्ति करना है। तो क्षमा आपणात फलानि आनयति, क्षमा बाजार से फलों को लाती है। अगला वाक्य है, रिक्त स्थान बुद्धि नाशो भवति, और कोष्टक में शब्द दिया हुआ है स्मृति नाश, स्मृति नाश शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करना है। बुद्धि नाशो भवति, बुद्धि नष्ट होता है, कैसे नष्ट होता है, स्मृति नाश, इस शब्द की पंचमी विभक्ति लगाना है, तो स्मृति नाशात बुद्धि नाशो भवति, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से विभिन्न वाक्य हैं जिनके जो अलग अलग शब्द दिए थे, जिनके पंचमी विभक्ति के रूप बनाकर वाक्यों की पूर्ति करनी थी। तो इस तरह से ये केवल वाक्य जो दिए हैं ये नमूना मात्र हैं, और इसके अतिरिक्त
पाठ पर आधारित, पाठ के अंदर से और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने पाठ को भली भांति पढ़ा और समझा है, तो इसलिए निश्चित रूप से आप इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को हल करने में समर्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अध्ययन किया पाठ प्रतिभिज्ञानम, और पाठ को हमने समझा, पाठ के शब्दार्थ का हमने अध्ययन किया, और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने हल किया। तो निश्चित रूप से यह पाठ आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में सर्वेभ्यो नमो नमः। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक दत्त पदेषु पंचमी विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत्। अर्थात उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए हुए पदों में से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और साथ ही रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से करना ही दिया हुआ है। उस शब्द का उचित रूप बनाकर, उचित रूप कौन सा, पंचमी विभक्ति का रूप बनाकर हमें उस वाक्य की पूर्ति करनी है। यथा, जैसे एक उदाहरण दिया है, श्मशानात धनुरादाय अर्जुन आगतः। शब्द यहां पर दिया हुआ है श्मशान। श्मशान शब्द का पंचमी विभक्ति हमको बनाना है, तो श्मशान शब्द का पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या होगा। देखिए, यदि इस तरह से कहा जा रहा है, पंचमी विभक्ति बनाने के लिए कहा जा रहा है या तृतीय विभक्ति का शब्द बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न शब्द रूप हैं, उन्हें विभिन्न शब्द रूपों के प्रथम विभक्ति में क्या रूप होंगे, द्वितीय में क्या होंगे, तृतीय में क्या होंगे, चतुर्थी में क्या होंगे, पंचमी में क्या होंगे, षष्ठी में क्या होंगे, सप्तमी में क्या होंगे, और उनके संबोधन रूप क्या होंगे, ये हमको जानना होगा। साथ ही साथ उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप क्या होते हैं, ये भी हम जानेंगे, तब इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उत्तर भली भांति दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, रिक्त स्थान धनुरादाय अर्जुन आगतः, और श्मशान शब्द है, तो श्मशान शब्द में पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हुए इस वाक्य की हमें पूर्ति करनी है। तो श्मशान शब्द की पंचमी भक्ति क्या होगी, जैसे बालक से बालकात होता है, राम से रामात होता है, कृष्ण से कृष्णात होता है, उसी तरह से श्मशान से क्या हो जाएगा, श्मशानात, श्मशानात, श्मशानात धनुरादाय अर्जुन आगतः। तो श्मशानात शब्द से हम इस वाक्य की पूर्ति कर दिए पंचमी विभक्ति बनाकर। इसी तरह से अन्य वाक्यों को हमें करना है, तो आइए उन वाक्यों को देखते हैं। वाक्य हैं, पाठान पठित्वा सह रिक्त स्थान आगतः, और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय की पंचमी बनाना है और वाक्य को पूरी करना है। विद्यालय का पंचमी विभक्ति का रूप बनाते हुए इस वाक्य को हमें पूर्ण करना है। तो पाठान पठित्वा सह विद्यालयात आगतः, विद्यालय से विद्यालयात, तो पाठान पठित्वा सह विद्यालयात आगतः, पाठों को पढ़कर वह विद्यालय से आ गया, इसका हिंदी हो गया। चलिए अगला वाक्य है, रिक्त स्थान पत्राणि पतंती, और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है वृक्ष, अर्थात पत्राणि पतंती मतलब पत्ते गिरते हैं, वृक्ष, वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति लगाना है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है, अगला वाक्य है, गंगा रिक्त स्थान निर्गच्छति, गंगा खाली स्थान निकलती है, और यहां पर शब्द आया है हिमालय, तो हिमालय का पंचमी विभक्ति बनाना है, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है, क्षमा खाली स्थान फलानी आनयति, कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है आपणम, तो आपणम शब्द की पंचमी विभक्ति बनाना है और वाक्य की पूर्ति करना है, तो क्षमा आपणात फलानी आनयति,
क्षमा बाजार से फलों को लाती है। अगला वाक्य है, रिक्त स्थान बुद्धि नाशो भवति और कोष्टक में शब्द दिया हुआ है स्मृति नाश। स्मृति नाश शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करना है। बुद्धि नाशो भवति, बुद्धि नष्ट होता है, कैसे नष्ट होता है, स्मृति नाश, इस शब्द की पंचमी व्यक्ति लगाना है। तो स्मृति नाशात बुद्धि नाशो भवति, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से विभिन्न वाक्य हैं जिनके जो अलग अलग शब्द दिए थे, जिनके पंचमी व्यक्ति के रूप बनाकर वाक्यों की पूर्ति करनी थी। तो इस तरह से ये केवल वाक्य जो दिए हैं ये नमूना मात्र हैं, और इसके अतिरिक्त पाठ पर आधारित, पाठ के अंदर से और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने पाठ को भली भांति पढ़ा और समझा है, तो इसलिए निश्चित रूप से आप इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को हल करने में समर्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अध्ययन किया पाठ प्रतिभिज्ञानम, और पाठ को हमने समझा, पाठ के शब्दार्थ का हमने अध्ययन किया, और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने हल किया। तो निश्चित रूप से यह पाठ आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में सर्वेभ्यो नमो नमः।